खेल मुझे लग रहा है क्योंकि अभी दो कुछ ठीक नहीं है जब तक बिल्कुल असंभव सा जरूर लग रहा है लेकिन यहाँ पर तारीफ करने वाले मैं इतने लोगों को पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है श्रीनगर के खिलाफ यही वजह है कि श्रीनगर तकरीबन 170 राज्य के करीब है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर टी20 हो रहा है बिल्कुल टेस्ट नहीं हम इनसे 2-3 सवाल आप पूछेंगे। हमें उम्मीद है की ये उनके उनका जवाब देंगे। आमिर साहब आपका वेलकम है। 5 साल के बाद क्रिकेट में वापसी की है और वो भी आपने नाइट के ग्राउंड से की है। आपने 47 रन की नाबाद इनिंग्स के लिए अपनी टीम को जीती और इस रन के बारे में स्पेशली यहाँ के क्रंच के बारे में जो सपोर्ट आपके लोगों से मिला उसके बारे में आप क्या कहिए? मैं सबका शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने बड़ी बात है एट द एंड चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते गेम जीती आज जीत गेम की हुई है और मैं चाहता हूं कि हमेशा गेम की ही जीत हो जाए और इस ग्राउंड में ये टूर्नामेंट को शुरुआत देता है। हम जो आज पर खेलने के लिए बिजी रहा लेकिन अब ये टूर्नामेंट वगैरह है क्रिकेट एक्सरसाइज रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारे छोटे बच्चे हैं 9 से लेकर 16 साल की एज ग्रुप में जो वल्नरेबल होते हैं उनको ताकि उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी रहे और वो अपने एकेडमिक्स में अपने क्रिकेट क्लब की वसादत से हमारे एक होनहार जो हमने नहीं आज हमें नहीं है नेट बिलाल अफवानी साहब उनके नाम पे ये खोला गया था। आज इसका इनाग्रेशन मैच था जो आरसीसी श्रीनगर वर्सेस नाइट के 11 के दरमियान जिसमें नाइट की टीम ने जीत हासिल की है। ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है बेसिकली इन द मेमोरी ऑफ नेट बिलाल वानी साहब जो एक मंजे हुए क्रिकेटर रहे हैं फुटबॉलर रहे हैं वॉलीबॉल रहे और आप अगर इधर कैमरा घुमा सकते हैं उनकी जब डेथ हुई वो ड्यूरिंग वॉलीबॉल खेल रहे थे तो उनकी वो डेथ हुई उनकी मेमोरी में ये जो हमारा ये सपोर्ट्स एसोसिएशन नाइक है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इनका किया और इसकी वजह आपकी वसादत से हम तमाम जो वादी कश्मीर की क्रिकेट टीम है उनको दावत देंगे इधर आए इस खेल में हिस्सा ले इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले और हमें खिदमत करने का मौका है। तो हम चाहते हैं कि जो कि पार्टिसिपेट करें इसमें तो इससे हमें खेल के रुझान बढ़ेगा और लोगों में जो खेल की तरफ लोग कम आ रहे हैं तो मकसद है कि लोग खेल की तरफ आए अपने बच्चों को भी इसमें हिस्सा लेने की किस टाइम हम जो भी टीम आए हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी लास्ट में कितनी टीमें हमारे पास आ सकती है। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है इसमें टीम आउट होगी तो आउट होगी। नाइट के ने जीता है और उनके मुकाबला था आरसीसी श्रीनगर ने उनके साथ खेला लेकिन वो मैच में नाकाम गए और नाइट के ने आज मैच को जीता। यहाँ पर बहुत कम आ रही थी लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है नेट बिलाल अफवानी को जिसके नाम पर 16 नेट है। तो मैं सभी टीमों से गुजारिश करता हूँ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें बहुत अच्छा सभी टीमों से पार्टिसिपेट कीजिए ग्राउंड में तो मैं सब गुजारिश हमेशा आप पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें और अच्छा देखने को मिले।